एक वो था कि 9 और 10 तारीख की जो आपने क्लास दी थी उसकी रिकॉर्डिंग आई नहीं अभी। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है कैर और कोड। कैर का फॉर्मूला क्या होता है, कैर और कोड का? आस्काई कैरेक्टर्स होते हैं कुछ हमारे कंप्यूटर में। आस्काई कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि हर एक जो कीवर्ड है उसका कोई कोड होता है। ABC है, इनका कुछ कोड होता है, नंबर से उनका कुछ कोड होता है। कंप्यूटर की भाषा में समझने के लिए वो कोडिंग सिस्टम डेवलप किया गया है जिसको आस्काई कोड कहते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है जी, तो आस्काई कोड्स होते हैं जिसमें हम आस्काई की टेबल होती है जिसकी बात होती है। इसमें जो है इनके कोड जो है ये होते हैं और कैरेक्टर ये जो लाल में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, इसमें क्या खास बात है, जैसे ए के लिए, कैपिटल ए के लिए 65 यूज करते हैं और स्मॉल ए के लिए 97 यूज करते हैं। इसी तरह कीबोर्ड के सारे कैरेक्टर्स हैं, कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जो कीबोर्ड पे नहीं होते, तो वो सारे कोड दिए गए हैं इसके अंदर। अब इसको यूज मोस्टली कहाँ किया जाता है, जैसे अगर आप देखें जैसे ए है तो मेरे पास जो है कोड का फॉर्मूला, तो इसका मुझे कोड बता देगा। ठीक है जी, जैसे कैपिटल ए कर रहा हूँ तो 65 है, और कैर का फॉर्मूला इस कोड को डिकोड करता है। ठीक है जी, इसका कोड बता रहा है, कैर बता रहा है। इसका यूज मैंने एक बार जरूरत पड़ी थी मुझे, खाली एक बंदे का सवाल था कि 1 2 3 तो आप ड्रैग कर देते हैं बढ़ जाता है, पर ABCD को ड्रैग करते हैं तो नहीं होता है। अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इसे कस्टम लिस्ट में ऐड कर रखा है। ठीक है, मान लीजिए एक्सेल ऑप्शन में कस्टम लिस्ट में ABCD डिलीट कर दूंगा, तो ABCD जो है ड्रैग नहीं होता है। किसी ने कहा कि कैसे करेंगे हम, मैंने उसमें क्या किया, पहले मैंने लिखा ए, देन इसको क्या किया, इसको एक कोड देखा, वो कोड में मैंने पैरामीटर डाल दिया, ऊपर कोड ले लिया। फिर मैंने क्या किया, इसमें +1 किया कोड में, फिर मैंने इसका कैरेक्टर निकाल लिया। ठीक है जी, तो इस तरह से कर लिया मैं, बेसिकली मैंने कैरेक्टर निकाल लिया। अब मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा कंबाइन कर देता हूँ, जैसे कोड जहाँ लिंक यूज हो रहा है कहाँ यूज हो रहा है, इसके अंदर सी कोड में, सी कोड में पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, फिर इस पूरे को ले लिया इक्वल टू से पहले तक, और फिर यहाँ पे जहाँ यूज हो रहा है वहाँ डाल दिया। अब इस फॉर्मूले को कट करके मैंने यहां डाल दिया, इसकी जरूरत नहीं। तो फॉर्मूला बेसिकली ये बना, कैर कोड ऊपर वाले +1 और ब्रैकेट कोड। अब जब मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा तो ये एग्जैक्ट वही काम करेगा जो मैं करवाना चाह रहा था, ड्रैगिंग इनेबल हो गए, कैपिटल स्मॉल। देखिए दोनों के बीच में है, कैपिटल और स्मॉल के बीच में 32 का डिफरेंस होता है। तो जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका कोड जो है मैंने ले लिया और माइनस कर दिया 32। ठीक है, तो इसका कैप ले लिया कैरेक्टर, तो जो भी कैरेक्टर मैं दिखाऊंगा उसका कैपिटल मुझे दिखा देगा। तो बेसिकली ये समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि बैकग्राउंड में कन्वर्जन कैसे होती है, केस कैसे चेंज होता है, कंप्यूटर क्या लॉजिक यूज करता है, ये आस्काई कोड्स को यूज करता है। ठीक है जी, ठीक है। आस्काई कोड को यूज करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है अपना यूज होता है क्लीन। क्लीन क्या करता है कि जो आपके कैरेक्टर जो दिखाई नहीं देते उनको ये क्लीन कर देता है,
जैसे मैंने क्या किया, संदीप लिखा, ऑल्ट एंटर प्रेस किया नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, ऑल्ट एंटर नेक्स्ट लाइन में, सेम सेल की नेक्स्ट लाइन में आने के लिए ही यूज होता है, बाकी सरनेम डाल दिया, ठीक है जी। एक जगह मैं विदाउट स्पेस के लिख रहा हूँ, तो अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूं, एलियन लेंथ का फॉर्मूला है, किसी भी जो आपने सेल में एंट्री की उसकी लेंथ कितनी, कितने कैरेक्टर है वो गिनने के लिए होता है, तो ऊपर 13 दिखा रहा है, नीचे 12 दिखा रहा है, इसका मतलब कि इसमें कोई ऐसा कैरेक्टर है जो दिखाई नहीं दे रहा। 30 कौन सा कैरेक्टर है वो? 30 को ले लिया होगा ना, ऑल्ट एंटर का। तो ऑल्ट एंटर में अगर प्रेस करके देखू, यहाँ पे सिर्फ ऑल्ट एंटर प्रेस किया है, और इसका कोड निकालना चाहो तो यहाँ से निकाल सकता हूँ। 10 नंबर, अगर आप संदीप सिंह में स्पेस देंगे तो वो तब भी तो 13 लेगा फिर। हाँ, पर इसमें मैंने स्पेस नहीं दिया, इसमें ऑल्ट एंटर दिखाया, मतलब मैं आपको ऑल्ट एंटर। हाँ हाँ ऑल्ट, बात तो वही पड़ गई, स्पेस ही हो गया वो ना। नहीं जी, स्पेस नहीं होता, वो स्पेस नहीं होता। देखिए मैं इसको अनमर्ज कर देता हूँ, रैप टेक्स्ट हटा देता हूँ, स्पेस दिखा रहे कहीं आपको? ठीक है जी, स्पेस का कोड क्या होता है ये दिखाता हूँ। यहाँ मैंने स्पेस एंटर किया, 32 होता है स्पेस का कोड, ठीक है जी। ऑल्ट एंटर का कोड क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने जाके ऑल्ट एंटर किया तो उसका कोड है, नहीं हाँ ऑल्ट एंटर किया तो इसका कोड है 10, ठीक है जी, जो कि रैप टेक्स्ट पे काम करता है, ये वैसे कोई कैरेक्टर नहीं है। तो ऐसे जो कैरेक्टर जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, मान लीजिए ईआरपी से रिपोर्ट आ रही है, किसी सॉफ्टवेयर से आ रही है, तो कुछ ऐसे करेक्टर एड हो जाते हैं उसके अंदर जो दिखाई नहीं देते, तो मैं उसके लिए क्या यूज करता हूँ, क्लीन। क्लीन में जब आप इसको डालेंगे, इसका रेफरेंस देंगे, और मैं फिर से लेंथ चेक करता हूँ, तो कितनी दिखाएगा, 12, ठीक कर दिया इसने, ठीक है जी। बेसिकली क्लीन का मेथड समझाने के लिए किया, और ये 10 का क्या फंडा है ये भी बताऊंगा आपको। ये कोड का भी यूज मैं कहाँ करता हूँ, कोड का यूज और एक्सटेंडेड यूज कैसे करते हैं, जैसे कई ऐसे चार्ट आप बनाना चाहती हैं जो वी लुकअप से कॉल हो जाए, इम्पॉसिबल चीज सुनने में लगता है, बट इसको फॉर्मूला से पॉसिबल बनाया जा सकता है, ठीक है जी। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ, कम ले लेता हूँ जगह, थोड़ा सा ज्यादा लेता है, कुछ वैल्यूज मैंने डाल दी इसके अंदर, एक हमारे पास रिपीट कीवर्ड होता है, REPT, REPT, इसमें कोई भी जैसे टेक्स्ट दें, कोई भी टेक्स्ट देते हैं हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मैंने दिया स्टार, ठीक है जी, स्टार दिया इन्वर्टेड कॉमा में, फिर उसमें जो हमारा सेकंड पैरामीटर है, कॉमा लिख के सेकंड पैरामीटर है कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं, मैंने अगर मैंने यहाँ 5 बार दे दिया तो ये 5 बार दिखाएगा, 10 बार दे दिया तो ये 10 बार स्टार दिखाएगा, और मैंने अगर मान लीजिए इस सेल को यहाँ लिंक कर दिया, इसकी जगह मैंने रेफरेंस दे दिया आगे वाली सेल, तो क्या करेगा, जितना भी यहाँ डालूंगा वो वहां पे उतनी बार रिपीट करेगा, ठीक है जी। इसका यूज करेंगे तो रिपीट का मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या टेक्स्ट करना है, इसमें मैं यूज कर रहा हूँ पाइप, पाइप बैक स्लैश के ऊपर होता है, इस तरह से शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो पाइप आता है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ से देख लो, अगर आपको देखना हो पाइप आपके कीबोर्ड पे तो यहाँ होता है, आ जाइए ये जो तक, हाँ ये जो बैक स्लैश है एंटर के ऊपर यहाँ पे, ये है पाइप, शिफ्ट के साथ जो हम ये करेक्टर दबाते हैं तो पाइप आता है, तो इसको हम मैंने डाला है इसमें और रिपीट किया सामने वाली सेल के बराबर, इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ तो क्या दिखा रहा है, एक चार्ट सा दिखा रहा है, रैंड बिटवीन रिफ्रेश होता रहता है तो ये मेरा चार्ट सा रिफ्रेश हो, पर ये चार्ट जैसा लग नहीं रहा, बनाने के लिए क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉन्ट, इसका मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, कौन सा,
ब्रिटैनिक बोल्ड, ब्रिटैनिक बोल्ड एक ऐसा फॉन्ट है जिसमें ये पाइप मर्ज हो जाएगा, और फॉन्ट कलर चेंज करूंगा तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। तो अब ये मेरा स्पार्क लाइंस की तरह लग रहा है। अब जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ जगह ज्यादा ले रहा, थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं, हाफ करना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो ये क्या है, रेंड बिट, इसको मैं कर देता हूँ। यहाँ पे जो फार्मूला लगा है मेरा रिपीट का, यहाँ जो D6 में मैंने वैल्यू ली है इसकी रेशियो मैं कर देता हूँ कि ये हाफ करना चाहता हूँ। तो इसको मैं क्या करूंगा, दो से डिवाइड कर दूंगा, दो से डिवाइड कर दिया हाफ करने के लिए, इसको कर दिया तो थोड़ा सा छोटा हो गया। और छोटा करना है तो 10 से भी कर सकता हूँ, 10 गुना छोटा करना चाहता हूँ तो इसमें कैलकुलेशन लगा सकते हैं इस तरह से। अब देख रहे हैं कि कुछ चार्ट आ रहे हैं, ये चार्ट्स आ रहे हैं और इनको व्यू लुकअप के थ्रू भी कॉल किया जा सकता है क्योंकि ये वैल्यू ही है असल में, ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे इसको और छोटा कर लेता हूँ ताकि 10 से डिवाइड कर देता हूँ, थोड़ा और छोटा, ठीक है जी, हल्का चार्ट। अब इसमें क्या करता हूँ, इसमें थोड़ी सी जगह बना देता हूँ ताकि इसको क्लियरली देख पाए, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मैंने जगह बना दी और इसको क्या करता हूँ, इसकी अलाइनमेंट घुमा देता हूँ। अलाइनमेंट या तो यहां से घुमा सकता हूँ, 90 डिग्री पे डाल सकता हूँ, यहां से नंबर टैब से भी डाल सकता हूँ अलाइनमेंट में 90 डिग्री, ठीक है। अब तो आप ये सामने सामने चार्ट पे दिखने लग गए, इसको यहां से मैं इधर कर देता हूँ तो सामने सामने इनका ग्राफ आने लग गया। मान लीजिए डबल डिजिट के चार्ट बनाने, यहाँ पे ले लिया मैंने, या ट्रिपल के बनाने, तो क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला में एडिट कर सकते हैं। तो 10 गुना छोटे दिखा रहा हूँ तो यही फॉर्मूला मैं कंकैटिनेट कर सकता हूँ, ठीक है जी। कंकैटिनेशन ऑपरेटर दिखाया था ना मैंने, तो यहाँ रिपीट का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, कंकैटिनेट कर दिया। डी सिक्स की जगह इसमें मतलब अगला लिंक ले लिया दोनों होगा। और इसमें क्या है कि इसमें डिफरेंशिएट कैसे होगा, क्योंकि ये तो एक ही को मिलकर दिखाएगा, कंकैटिनेशन में क्या आएगा, इन दोनों को सम करके जोड़ दे रहा है तो पाइप उतने बार दिखाएगा, ठीक है जी, उतना ही बड़ा दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ एक को, ऑल्ट एंटर का क्या था, कोड 10 था, तो मैं क्या करूंगा, कैर यूज करूंगा और कैर को 10 डाल दूंगा, ठीक है जी, फिर कंकैटिनेट का साइन लगा दूंगा। तो अभी तो कोई चेंजेस नहीं दिखा रहा है, यही फॉर्मूला मैंने ट्रैक कर दिया, जैसे ही रैप टेक्स्ट करूंगा ये दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो ये जितना रेशियो होगा उस हिसाब से चार्ट दिखाएगा, ठीक है। क्यों अलग दिखा रहा है, कोड 10 के कारण, ठीक है जी। अब ये 90 डिग्री में घुमा हुआ है तो जो वो है आपका इस दिशा में अलग अलग करता जाएगा ना, इसी में चाहूं तो कितने भी करके मैं पूरा पूरा चार्ट दिखा सकता हूँ। अब इस चार्ट को आप VLOOKUP से भी कॉल कर सकते हैं, मान लीजिए इसके आगे आईडी दे दूं तो आईडी के साथ इसको चार्ट कॉल हो जाएगा मेरा, फॉर्मेटिंग यही अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये फंडा है इसका अपना कोड का, ऑटोमेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला, कंकैटिनेट का अपना फॉर्मूला भी है, इसे कंकैटिनेट करना है। अभी तक तो मैंने ऑपरेटर दिखाया, कंकैटिनेट का फॉर्मूला भी है, कंकैटिनेट करके इसमें क्या होता है, टेक्स्ट पैरामीटर की तरह देने होता है। जैसे मैंने ये पैरामीटर दे दिया फर्स्ट से, कॉमा करके दूसरा टेक्स्ट, कॉमा करके तीसरा भी दे सकते हैं, चौथा भी, इतने करने कर दीजिए, बीच में स्पेस देना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये रेफरेंस के बीच में इन्वर्टेड कॉमा के बीच में स्पेस दे के फिर कॉमा, मतलब टेक्स्ट टू एज ए स्पेस है, एंटर कर दिया स्पेस आ जाएगा। देन हमारे पास दो कीवर्ड होते हैं, बहुत ही कम यूज होते हैं, डॉलर और
डॉलर, ये नंबर है जिसको मैं डॉलर के फॉर्मेट में मैंने सिलेक्ट किया, इसका नंबर और डेसिमल कितने चाहिए, तो डेसिमल में मैं 2 डेसिमल पोजीशन तक सिलेक्ट कर, ठीक है जी, नंबर का रेफरेंस दे दिया मैंने, कॉमा और कितने डेसिमल पोजीशन चाहिए, तो ये डॉलर का साइन लगा के उतने डेसिमल पोजीशन दिखा देता, ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास फिक्स्ड भी होता है, डॉलर फिक्स्ड सेम काम करते हैं, डॉलर डॉलर लगा देता है, और फिक्स्ड क्या करता है, नंबर लिया मैंने, डेसिमल कितने चाहिए, 2 डेसिमल चाहिए, नो कॉमा, इसमें हमें देना होता है ट्रू या फॉल्स, तो अगर आप ट्रू देंगे तो जैसे 1000 के बाद कॉमा दिखा रहा है ना, तो कॉमा नहीं दिखाएगा, फॉल्स देंगे तो कॉमा दिखाएगा ना, इसका कोई खास यूज नहीं है, ठीक है, इसको मैं ट्रू दे दूं तो कॉमा नहीं दिखाएगा, ठीक है। बाकी मैंने कंपैरिजन के लिए एक ऑपरेटर बताया था कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और यहाँ कैपिटल में वो लिखा, तो कंपैरिजन का ऑपरेटर क्या करता है कि क्या ये इक्वल टू इसके है, तो ये ट्रू दिखा रहा है, पर आप देखेंगे कि केस अलग अलग है, ये स्मॉल केस में या कैपिटल केस में, आप चाहती हैं कि कैपिटल जो केस सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब स्मॉल में आए तभी मैच करे, तो एग्जैक्ट का फंक्शन है अपने पास, किसी भी 2 टेक्स्ट को देंगी तो एग्जैक्ट है कि नहीं ये बता देगा, फॉल्स दिखा रहा है तो कि नहीं है, और अगर मैं इसको स्मॉल में एंटर करूं तभी ट्रू दिखाएगा, जबकि आपका जो कंपैरिजन ऑपरेटर दोनों केस में आपको ट्रू दिखाएगा। देन उसके बाद हमारे पास है केस चेंज करना है किसी का, जैसे मैंने दिखाया कि केस अलग अलग हो सकते हैं, तो केस भी मैं चेंज कर सकता हूँ, अपर केस के लिए अपर का फॉर्मूला है, डिफरेंस दे दीजिए, अपर में शिफ्ट हो जाएगा, लोअर के लिए लोअर का फॉर्मूला है, लोअर में शिफ्ट हो जाएगा, प्रॉपर के लिए प्रॉपर का फॉर्मूला है, मतलब जो टाइटल केस होता है आपका हर एक का एक बड़ा, तो ये आपका प्रॉपर का फॉर्मूला, मान लीजिए आप मैंने संदीप सिंह लिख देता हूँ, वो आपको ज्यादा चाहिए, अपर सारे कैपिटल, अपर सारे कैपिटल लेटर में होगा, इसमें सारे स्मॉल में होगा, इसमें इनिशियल लेटर जो है वो कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल में चल गए, तो अपर लोअर प्रॉपर 3 फॉर्मूले, ठीक है। बाकी किसी चीज को रिप्लेस करना हो तो हमारे पास रिप्लेस का फॉर्मूला है, इसके भी 2 फॉर्मूले हमारे पास, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट, कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। तो जैसे मैं हिमालया टाइप किया, रिप्लेस का फॉर्मूला क्या है, आपका पुराना और इसमें पैरामीटर है ओल्ड टेक्स्ट, स्टार्ट नाम, नाम कैप्स न्यू टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट जो आपका टेक्स्ट है वो सिलेक्ट कर लिया, स्टार्टिंग पोजीशन, देखिए कैरेक्टर्स को गिन के, मतलब एक H1 पे है, I2 पे, M3 पे, इस तरह से, पहली चीज जैसे मैं करना चाहता हूँ I को O में बदलने चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग नम हो जाएगा मेरा, I जो है वो सेकंड पोजीशन पे, तो 2 डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद कितने कैरेक्टर चेंज करने हैं, स्टार्टिंग पोजीशन तो मिल गई, कितने कैरेक्टर चेंज करने हैं उससे, मान लीजिए IM करके मुझे O करना है, तो यहाँ पे मैं 2 कैरेक्टर बदलना चाहता हूँ एक के साथ, तो एक के साथ या कितने के साथ, तो मुझे यहाँ पे नम कैरेक्टर 2 देने पड़ेंगे, पर फिलहाल मेरी रिक्वायरमेंट कि I को O के साथ बदलना है खाली, तो एक ही कैरेक्टर बदलना है, वन ले लिया मैंने। देन न्यू टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट में वो चीज आएगी कि आप किससे बदलना चाहते हो, O कर सकता हूँ, ओम कर सकता हूँ, मतलब कितना भी मैं दे सकता हूँ, इसमें ये वो चीज वहां से हटाएगा और उससे रिप्लेस कर देगा, ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला है, सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला थोड़ा समझने में आसान है, मैं
मैंने इसका लिया, सेम काम करना है मुझे। तो पहले टेक्स्ट का रेफरेंस ले लिया, फिर कह रहा है कि पुराना क्या था और नया क्या करना है। पुराना आई मैंने लिख के दे दिया कि आई है, बदलो किसके साथ, ओ के साथ, ओ दे दिया, कर दिया, आई की जगह एल आ गया, आई बदल गया। मान लीजिए मैं ए को बदलना चाहता हूं ओ के साथ, ए को ओ के साथ बदल दिया। और इसमें देख रहे हैं कि दोनों बदल गए, हमारा ए दो बार आया है तो दोनों बदल गए। मैं चाहता हूं पहला वाला बदले या दूसरा वाला बदले, मान लीजिए दूसरा वाला चाहता हूं, तो इसमें एक ऑप्शनल है, ये जो बड़े ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, ये ऑप्शनल होती है चीजें या पैरामीटर। तो इसमें क्या है, इंस्टांस नंबर, मतलब कि कौन सी वाली रिपीटेशन, पहली की, दूसरी की, तीसरी, इस तरह से लेता है कि पहला है, दूसरा है या तीसरा है। मैं कहता हूं दूसरा है, ठीक है जी, तो ये उसको बदलेगा। यही छोटा सा डिफरेंस है इसके अंदर। और देखते हैं इसमें टेक्स्ट के अंदर, इसमें एक हमारे पास है जो मैंने कस्टम फॉर्मेट आपने पढ़े होंगे, तो एक टेक्स्ट का फॉर्मूला है जो कस्टम फॉर्मेट को अप्लाई करने में मदद करता है। जैसे कि मैंने यहाँ टेक्स्ट का ये सब्स्टिट्यूट का फिर से बताना, मुझे समझ नहीं आया क्या चीज। सब्स्टिट्यूट में यही है कि आपका रिप्लेस की तरह काम करता है, जिसमें आपका पहला जो है वो टेक्स्ट का रेफरेंस रहता है, सेकंड जो है कि जैसे क्या बदलना चाहते हैं, पहला क्या है वो आपको देना पड़ेगा यहाँ, कि मैं ए को बदलना चाह रहा था, दूसरा है ए को बदलना चाह रहा था, दूसरा है न्यू टेक्स्ट, किससे, ओ से, कौन सा वाला, दूसरा वाला है, सेकंड वाला, तो यहाँ पे दे दिया। अगर कुछ नहीं देगी तो दोनों बदल जाएगा, ठीक है जी, ठीक है सर। और नहीं तो आपको पोजीशन देनी है, पहला बदलना है पहला दे दीजिए, पहला बदल गया, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए मैं डेट डालता हूँ, ठीक है जी, अब मुझे वो दूसरे केस में चाहिए, नंबर फॉर्मेटिंग से जाके ठीक करता हूँ। ये वाला डेट फॉर्मेट चाहिए मुझे, कस्टम फॉर्मेट में जाके ले आया, ठीक है जी, कस्टम फॉर्मेट में जाके मैं डी डी एम 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 वाई 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 चार बार कर, इस तरह से आ गया। पर आप जानते हैं कि ये डेटा की विजिबिलिटी को चेंज करता है, ओरिजिनलिटी विजिबिलिटी को ही चेंज करता है, रियलिटी को, रियलिटी चेंज करने के लिए आपके पास टेक्स्ट का फॉर्मूला है, ठीक है, इसको पकड़िए, इसमें वैल्यू दीजिए और फॉर्मेट टेक्स्ट में जो कोड चाहती है वो लगा। अब ये टेक्स्ट का फॉर्मूला उस चीज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है जी, ये उसकी ओरिजिनलिटी चेंज कर देगा। अब ये टेक्स्ट की तरह, हालांकि इसमें जनरल फॉर्मेट ऑटोमेटिक होता है तो कई बार चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहां पे कोई नंबर होता, मान लीजिए जैसे 91+91 करके होता है, ठीक है, जैसे +91 वाला हमने लगाया था यहाँ पे, कि +91 करके हैश कर दिया था कि कोई भी नंबर डालें तो नंबर आ जाना चाहिए, ठीक है, तो +91 की जरूरत नहीं, नंबर ही डाला, ठीक है जी, नंबर आ गया। पर जब मैं इसको पेस्ट एज वैल्यूज करता हूँ तो क्या आता है, खाली नंबर आता है +91 का, कोई एग्जिस्टेंस नहीं। पर इसी टेक्स्ट के फॉर्मूला के थ्रू अगर आप चाहती हैं कि ये चेंज ही कर दे तो यही चीज कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट देंगे वो इन्वर्टेड कॉमास में देंगे, +91 किया मैंने और फिर मैंने हैश कर दिया, ठीक है जी। अब मैं इसको कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज करता हूं तो ये देखेंगे +91 जो है एग्जिस्टेंस में आ चुका है, ठीक है जी,
जैसे चेक नंबर यूज किए थे उसमें जीरो वापस नहीं आ रहा था, दिखा रहा था, पर अगर वापस लाने हैं तो आपको वही फॉर्मेट इसमें अप्लाई करना है, कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज करेंगे तो वही चीज आ भी जाएगी। ठीक है, ये सारे कस्टम फॉर्मेट इसमें यूज कर सकते हैं टेक्स्ट के फॉर्मूला। देन बात करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेशन के बारे में, थोड़ा सा टेक्स्ट फॉर्मेशन के बारे में, जिसके अंदर काफी सारे अभी हमारे फंक्शन है। मान लीजिए एक टास्क है अपना, यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, अब मुझे क्या करना है, इनका फर्स्ट नेम चाहिए यहाँ पे, इधर मिडल नेम चाहिए और इधर लास्ट नेम चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूले हैं कुछ ऐसे जो ये कर सकते हैं। एक है हमारे पास लेफ्ट का फॉर्मूला, जो कि लेफ्ट से टेक्स्ट लेके देगा आपको। मैंने ये सिलेक्ट किया और ये पूछ रहा है कितने कैरेक्टर चाहिए आपको, तो मेरा सात करेक्टर का नाम है संदीप फर्स्ट नेम, तो मैं सात दे दूंगा आपको। ठीक है, दे दिया। देन हमारे पास एक लास्ट नेम के लिए राइट का फॉर्मूला है, जो कि राइट से टेक्स्ट लेता है, आपसे टेक्स्ट पूछेगा और कहेगा कितने करेक्टर उठा लूं, तो वो लास्ट से उतने लेगा, तो लास्ट वाला पांच डिजिट का है, तो पांच मैंने ले लिया। देन मिडल का फॉर्मूला क्या है कि कहीं से भी उठा सकता है, स्टार्टिंग से, एंड से, मिडल से, कहीं से, तो मिड का फॉर्मूला है। इसमें आप टेक्स्ट लेंगे और ये करेगा कैसे, ये पूछेगा स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ से स्टार्ट करूं, तो सात डिजिट का तो नाम हो गया, स्पेस मिला के आठ डिजिट, तो मैंने कहा स्टार्टिंग पोजीशन नौ रखो, कुमार के लिए नौ रखो, नौ स्टार्टिंग पोजिशन हो गए। और कितने उठाने हैं, तो पांच उठाने हैं, पांच लिखा मैंने, तो ये मेरा अलग अलग नाम आ गया। पर इन सब नामों पे ये फॉर्मूला एज इट इज एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि किसी का नाम अलग भी हो सकता है। ठीक है जी, मान लीजिए यहाँ पांडे, तो यहाँ तो गलत हो गया। तो हमें थोड़ा सा ऑटोमेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें और फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो लेफ्ट, मिडल और राइट तो है ही हमारे पास, और फॉर्मूले क्या करने पड़ेंगे, जैसे कि मुझे इसमें चाहिए, इसमें क्या पैरामीटर लगाऊंगा कि जिसके बेस पे मैं कर सकूं। अगर मुझे इसमें फर्स्ट स्पेस की पोजीशन पता पड़ जाए तो मेरा काम हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट स्पेस पहले पता लगाने के लिए कि फर्स्ट स्पेस कब आ रहा है, इसके लिए मेरे पास है फाइंड का फॉर्मूला। फाइंड का फॉर्मूला, मैंने इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दिया, पहला कह रहा है फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है, विद इन टेक्स्ट किसमें फाइंड करना है, वो किसमें फाइंड करना है मैंने दे दिया। ठीक है जी, स्टार्ट नंबर जो है वो ऑप्शनल है, इसका मैं अभी बताता हूँ कि कहाँ यूज होगा। तो इसने बताया कि आठवीं पोजिशन पे है, तो सात डिजिट का नाम है, आठवीं पे स्पेस है। अब मुझे लेफ्ट के फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, मैं इसका लिंक दूंगा और माइनस एक कर दूंगा। ठीक है जी, क्योंकि स्पेस को फाइंड कर रहा है, मैंने कहा एक कैरेक्टर माइनस कर दो, बाकी के उठा रहे। तो आज जब मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करता हूं तो मेरा रिजल्ट अभी सही नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको ड्रैग कर दूं तो आ रहा है, यहाँ का लिंक ले रखा है तो आ जाएगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा ऑटोमेट हो गया, चाहे सात का हो पांच का हो ये ले लेंगे। ठीक है जी, देन मुझे चाहिए मिडल नेम के लिए सेकंड स्पेस, मिडल नेम और लास्ट नेम के लिए सेकंड स्पेस, सेकंड
सेकंड स्पेस कैसे पता लगाएंगे कि ये फाइंड का फॉर्मूला है और मैंने स्पेस सर्च करना है विद इन टेक्स्ट, इसमें सर्च करना है स्टार्ट नंबर है कहां से सर्च करना है, मतलब किस नंबर कहां से स्टार्टिंग करना है। तो स्टार्टिंग मैं कहूंगा कि जहां आपको फर्स्ट स्पेस मिला था उसमें एक जोड़ दीजिए, क्योंकि अगर हम इसी से स्टार्ट करेंगे तो पहले ही उसे स्पेस मिल जाएगा तो आगे क्यों जाएगा, आगे नहीं सर्च करेगा। तो पहला स्पेस, दूसरा स्पेस जो है 14वीं पोजीशन, ठीक है जी। अलग अलग वेरिएशन देख सकते हैं जहां जहां होगा, इसका नाम थोड़ा सा और वेरिएशन कर देता हूँ, ठीक है। पहला अपना ठीक ठाक आ रहा है, स्पेस भी अलग अलग हो गए, फर्स्ट स्पेस भी अलग अलग होगा, ये भी ऑटोमेट कर दिया हम। फर्स्ट स्पेस के साथ मुझे एक और चाहिए चीज, लेंथ, ठीक है जी, टोटल लेंथ। वो किस लिए चाहिए कि जैसे राइट से करेक्टर लेने हैं मुझे तो अगर मैं लेंथ माइनस सेकंड स्पेस कर दूं, जैसे टोटल 19 की लेंथ है इसकी और उसमें सेकंड स्पेस जो है 14वीं पोजीशन पे, तो बाकी बचे करेक्टर कितने, 5, 19 में से 14 गए 5, ठीक है जी। अब इसको करते हैं ऑटोमेट, तो राइट वाले को करते हैं, राइट वाला क्या बोल रहा है, लेंथ माइनस सेकंड स्पेस, ठीक है जी। तो मैंने इसको ड्रैग किया, ये आ गया, ठीक है जी, सही चल गया। मिडल वाले को करते हैं, मिडल वाले में चाहिए मुझे कहां से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट तो वहां से करेगा फर्स्ट स्पेस प्लस 1, ठीक है जी, क्योंकि स्पेस तो 8वीं पोजीशन पे है 9वीं से, तो प्लस 1 आ गया। देन कितने कैरेक्टर उठाने, तो ये होगा आपका जैसे इसमें है 5 कैरेक्टर, तो 14 में से 8 गए 6 होता है, यानी कि एक स्पेस का फालतू ले रहा है दोनों साइड स्पेस, तो 5 चाहिए। तो मैं करूंगा सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस माइनस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, इसको ड्रैग कर लेता हूं तो आपका रिजल्ट सही आएगा, कोई भी वैल्यू हो रिजल्ट सही आएगा, ठीक है। अब इनको एक साथ कर देते हैं, ठीक है जी, अब इनको कंबाइन कर देते हैं। तो पहले मैं देखता हूं कि इनमें तो कहीं लिंकिंग नहीं ले रखी है, तो इसमें मैंने लिंकिंग ले रखी है फर्स्ट स्पेस की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वही अपना पुराना फंडा, यहां से कॉपी किया इक्वल टू से पहले, और जहां इसका रेफरेंस मैंने यूज किया I2 वहां डाल दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है जी, दो जगह यूज कर दिया मैंने, मतलब इसका फॉर्मूला मैंने कंप्लीट कर दिया, अब इसका इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब यहां पे ठीक करता हूं, जहां I2 यूज किया है वहां तो मैं डायरेक्ट दे सकता हूं, यहां पे क्या करूंगा, I2 दो बार है तो दो बार तो नहीं करता, मैं क्या करता हूं जहां जहां यूज हुआ है, जहां जहां यूज हुआ है तो मैं कंट्रोल F करके I2 डाल देता हूं और रिप्लेस कर देता हूं इससे, रिप्लेस, ठीक है जी, इसमें कर दिया रिप्लेस। अब देखेंगे पूरा का पूरा फॉर्मूला यहां पे पेस्ट हो चुका है, ठीक है। देन सेकंड स्पेस कहां कहां यूज हुआ है, सेकंड स्पेस को मैंने यहां इक्वल टू से पहले कॉपी किया और इसमें सिलेक्ट करके, सेकंड स्पेस क्या है J2, तो यहां J2 कर देता हूं, रिप्लेस में डाला, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस हो गया। एक लेंथ का फॉर्मूला भी, लेंथ भी यूज किया, कहां यूज किया K2, यहां से कॉपी किया, सिलेक्ट किया, यहां K2 रिप्लेस में डाला। देखिए मेरे को फॉर्मूला देखने की भी जरूरत नहीं है, सारा काम मेरा यहां पे हो चुका है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, पूरा फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है जी।
बड़े आराम से। अब मुझे चाहे तो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, इसकी जरूरत नहीं, पर मैं रेफरेंस के लिए आपके लिए छोड़ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ क्लिक करेंगे तो इससे यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं दिखाएगा, ये फॉर्मूला फ्री हो गए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर धीरे धीरे समझ जाएंगे, ठीक है जी। नहीं नहीं कहाँ कॉम्प्लिकेटेड कहाँ है, थोड़ा सा है बस, ये लेफ्ट का आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है, ठीक है जी, क्यों यूज किया है। जैसे मिडल नेम में टेक्स्ट क्या है, स्टार्ट नाम क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है जी। लास्ट नेम में जैसे गए टेक्स्ट और कितने कैरेक्टर, फॉर्मूला आप यहां से देख के देख। अब एक दिक्कत इसमें क्या है, अब इसको मैं फॉर्मूले को थोड़ा और नीचे तक ड्रैग करता हूं। अगर मैं यहां पे डालूं डबल डिजिट, कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा, इसको करना पड़ेगा मुझे। तो इन फॉर्मूला के लिए मैंने टेक्स्ट में सबसे लास्ट फॉर्मूला बताया था इफ एरर, कि जो एरर आती है, ठीक है। तो इसको मैं ऑटोमेट करूंगा कि देखो पहले तो जहां एरर आती है इसके आगे मैंने इफ एरर लगा दिया कि अगर एरर आती है तो क्या करें। अभी एरर क्यों आ रही है कि इसका फर्स्ट नेम नहीं दिखा रहा, तो इसके बाद मैं उसका फॉर्मूला डाल देता हूं कि फर्स्ट नेम ये लेगा कैसे। तो लेफ्ट का डाल दिया मैंने फॉर्मूला यहां से, अब इसमें फाइंड करना है स्पेस विद इन टेक्स्ट, इसके अंदर स्टार्ट नंबर की जरूरत ही नहीं, ठीक है जी, और माइनस वन, तो ये ले लिया, यहाँ ये फॉर्मूला चल गया। अब दिक्कत आ रही है यहाँ मिडल नेम तो चाहिए नहीं मुझे, मिडल नेम में मुझे क्या चाहिए कि अगर इसमें एरर आती है तो वैल्यू कर दे ब्लैंक, ठीक है जी। दूसरी मैंने सॉर्ट आउट कर दी, और इसमें क्या करना है मैंने, जैसे 13 डिजिट है और इसमें पहला स्पेस है आठवीं पोजीशन पे, तो 8 में से 5 13 माइनस करने पे चल जाएगा मेरा। तो यहाँ पे जो मेरे फॉर्मूला है, यहाँ पे अभी तो कुछ दिखा नहीं रहा, राइट का फॉर्मूला कैसे लेगा। अच्छा यहाँ पे ये फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था इसलिए ये एरर दिखा रहा। अच्छा यहाँ पे भी नहीं ट्रांसफॉर्म हुआ था, तो इसको भी पूरा कर दो, यहाँ पे दोबारा लगा देता हूँ मैं वही इफ एरर का फॉर्मूला, इफ एरर कोई एरर है तो ब्लैंक डबल इन्वर्टेड कॉमास बीच में कुछ नहीं। इसमें भी क्या है, लिंक ले रहा है ये, मेरे को फाइंड का फॉर्मूला फिर से रिप्लेस करना पड़ेगा इसमें, फाइंड का फॉर्मूला रिप्लेस करना पड़ेगा, वही वाला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वो हुए नहीं थे, तो मैं इसमें दोबारा डाल देता हूं। तो ये आ गया, यहां से ही आ गया। अब यहां पे मैंने करना था राइट का फॉर्मूला, यहां पे भी इफ एरर लगाएंगे कि कहीं अगर इसमें एरर आ रही है तो क्या करना है, दूसरा एक अलग फॉर्मूला यूज करना है। राइट का फॉर्मूला टेक्स्ट यही रहेगा, अब इसमें क्या चाहिए, लेंथ इसकी वाली माइनस फर्स्ट स्पेस, तो स्पेस का फाइंड करने का फॉर्मूला लगा दूंगा, कोई अलग से वो करना नहीं मैं, विद इन टेक्स्ट इसके अंदर यहां से क्लोज किया, यहां से इफ एरर क्लोज हो गया, ठीक है जी।
तो यहाँ फार्मूला, ये तीन फार्मूला को अगर मैं ऊपर भी ड्रैग करूँ तो ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे भी कोई प्रॉब्लम। अब क्या है कि अगर मान लीजिए सिंगल ही हो, सिंगल ही ना हो, अब ये दो एरर दिखा रहे हैं, तो इन इफ एरर के आगे एक और इफ एरर लगा देते हैं कि अगर इसमें भी कोई दिक्कत आ जाए तो सिंपल क्या करना है, यही वैल्यू दे देते। ठीक है जी, ये भी हो गया ऑटोमेटिक, पर देख रहे हैं जीरो भी आ रहा है, यानी अगर कुछ नहीं मैं चाहता हूं जीरो भी ना दिखाए तो एक इफ का फॉर्मूला और लगा देता हूं और इसको पहले कॉपी कर लेता हूं इस पूरे फॉर्मूले को, क्योंकि ये ओके फॉर्मूला कॉपी कर लिया मैंने, क्यों लॉजिकल वो दिखाना है मैंने कि अगर ये इक्वल टू जीरो है तो क्या करे, ब्लैंक दिखा दे, अदरवाइज ये पूरा फॉर्मूला चल रहे। ठीक है, इफ के अंदर ये डाल दिया, तो अब इसको मैं ऊपर नीचे ड्रैग कर देता हूं, ब्लैंक आ गया मेरा, यहां से काम हो गया और फॉर्मूला भी देखें काफी लंबा चौड़ा बन चुका है। ठीक है, अगर इसमें और भी लंबा नाम हो तो फिर कैसे करेंगे? हाँ? इसमें और भी लंबा नेम हो, अगर फादर का नेम भी कहीं लगाते हैं जैसे हाँ, वो साउथ में चार कुछ का भी साउथ डिजिट तक जाता है, तो फॉर्मूला भी जिस क्राइटेरिया से मैं बनाता जा रहा हूँ इसी क्राइटेरिया से आपको भी बनाना पड़ेगा और वो फॉर्मूले बहुत बड़े बड़े बनते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो और फिर तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा हमें करना नहीं है ना, ये तो मैं प्रैक्टिस के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, अगर इससे भी बड़े वो होते हैं तो उसके लिए बीबीए प्रोग्राम बनता है, उसका जवाब बीबीए में। ठीक है जी, हाँ, तो अब हमने क्या करना है कि अगर यहाँ पे लास्ट नेम नहीं होता है तो यहाँ एरर दिखाता है, तो यहाँ एक एरर पहले भी लगाया था हमने, एक और लगा देते हैं कि अभी भी कोई एरर आती है तो क्या करते, ब्लैंक करते नीचे भी ऊपर भी। ठीक है जी, काम हो गया। अब इसमें अगर आप खाली तीन का डालें तो चलेगा, सिंगल डालें तो चलेगा और डबल डालें तो चलेगा, ये तीन के हिसाब से सेट है पूरा। ठीक है जी, ठीक है। और छोटा सा फॉर्मूला और देख लेते हैं, बाकी तो ये मेन फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बताया, और भी कोई रह गया है तो वो भी दिखा देते। जैसे मान लीजिए मेरे नाम के आगे मेरा स्पेस लग गया, पहले बीच में स्पेस हो तो कोई बात नहीं, बाद में भी लग गया। ठीक है जी, तो अभी लेंथ चेक करूंगा मैं तो 15 दिखा रहा है। ठीक है जी, एक फॉर्मूला है हमारे पास ट्रिम का, ट्रिम क्या करता है आगे पीछे के स्पेसेस को खत्म कर देता है। अब लेंथ चेक करूंगा तो 13। ठीक है, आगे पीछे मान लीजिए स्पेस लग गए थे तो ये उसको खत्म कर देता है, ट्रिम कर देता है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे नंबर्स हैं और टेक्स्ट है, नंबर्स हैं, नंबर टेक्स्ट अलग अलग करने हैं, तो आपके पास टेक्स्ट अलग करने के लिए टी का फॉर्मूला है, सिर्फ टी, कोई भी वैल्यू डालेंगे उसमें तो जहां नंबर होगा वहां ब्लैंक कर देगा। ठीक है जी, नंबर के लिए एन का फॉर्मूला है, अब इसमें क्या है कि जहां टेक्स्ट होगा वहां जीरो कर देगा, बाकी जहां नंबर होगा तो वहां नंबर ही दिखाएगा। मान लीजिए आपको ये जीरो नहीं चाहिए, इसी तरह करना है कि यहाँ कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक सा ही करना है, तो इफ का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। ठीक है, इफ ये इक्वल टू जीरो है तो ब्लैंक कर दे, अदरवाइज वही चलना दे। तो नंबर टेक्स्ट आपके अलग अलग होगा, जो आपका टेक्स्ट के थ्रू कभी कभी क्या आता है कि टेक्स्ट के थ्रू वो चीजों को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है जिनको कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता,
तो इसी तरह जैसे टेक्स्ट में कन्वर्जन का फॉर्मूला है, उसी तरह से वैल्यू में कन्वर्जन का फॉर्मूला है। मान लीजिए यहां पे एक चीज टेक्स्ट है, अच्छा यहां पे फॉर्मूला लगा हुआ है, हटा दीजिए। तो वैल्यू के लिए मतलब अगर मैं चाहूं इसमें, हालांकि हो जाएगा ऑटोमेटिक है तो हो ही जाता है कैलकुलेशन, बट बाय चांस कभी ना हो रही हो तो इसको वैल्यू के अंदर ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट कर देगा उसको, ठीक है जी। वैल्यू का फॉर्मूला कभी कभार यूज होता है अगर ऐसी दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये आपके थे टेक्स्ट का, टेक्स्ट के फॉर्मूले। एक फाइनल फॉर्मूला और बता रहा हूं कि जैसे हम इसमें स्पेस सर्च किया था हमने, फाइंड और सर्च दो चीजें होती है, फाइंड भी होता है सर्च भी होता है। यहां हमने फाइंड का यूज किया, तो यहां पे मैं एक कीवर्ड डालता हूं और दोनों फंक्शन को यूज करता हूं, वो देखता हूं कि क्या फर्क है। तो जब मैंने यहां पे फाइंड करके स्मॉल ए दिया और मैंने कहा इसमें फाइंड करो, तो इसने क्या किया, एरर दे दी, ठीक है जी। क्योंकि फाइंड केस सेंसिटिव है, अब चाहते हैं कि केस सेंसिटिविटी ना रहे तो इसमें सर्च को यूज कर सकते हैं, दोनों के पैरामीटर सेम, ठीक है जी, फाइंड और सर्च, ठीक है जी। तो ये सर अगर ये जो नंबर लिखा है, जैसे चेक नंबर लिखा है, उसमें गलती से जैसे पढ़ने में मिस हो जाता है कि जीरो की जगह ओ लिख दिया, तो फिर उसको कैसे कन्वर्ट करेगा ये? सब्स्टिट्यूट यूज कर सकती हैं, रिप्लेस यूज कर सकती हैं। हाँ? अब जैसे वैल्यू नहीं करेगा फिर इसके, मान लीजिए ये आ गया बहुत बार आ गया, तो इसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस का बताया ना मैंने, सब्स्टिट्यूट है ना, इसको ले लीजिए, ये काम कर दे, ये आपका काम कर देगा पूरा। ओके जी, तो को रिप्लेस करना है जीरो से, नंबर जब भी यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये ओ में कन्वर्ट हुआ भी नहीं, तो इसमें फिर वो फॉर्म ये भी यूज हो सकता है कि 2365 भी आ जाए। हाँ, इसी में हमने को ऐड कर सकते हैं, इसमें मेरे ख्याल से तो नहीं होता। हाँ, यही तो वैल्यू के फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। पर ये ओ हुआ है तो क्या हुआ है, जीरो सब्स्टिट्यूट, जहां अच्छा कैपिटल ओ है, ठीक है। अब देखते हैं प्लस करके हो रहा है, ठीक है जी। सब्स्टिट्यूट रिप्लेस को यूज कर सकते हैं। तो ये आपके टेक्स्ट के फॉर्मूला थे, बाकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज देता हूँ।